जितने भी पार्टी वाले हैं वो बाबा साहेब और जितने भी बहुजन नायक हैं उनकी फोटो जब पैम्पलेट में छाप कर किसी की दीवार पर चिपकाते होंगे तो वो कभी ना कभी तो नीचे गिरता ही होगा, कोई ना कोई उसे फाड़ता ही होगा, कहीं ना कहीं कचड़े में जाता ही होगा। कहाँ पर है इनका ऑफिस? युगल भाई जो है ना वो फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी पे गए थे, कुरियर डिस्पैच का काम जो है सनी को दे दिया, सनी ने गलती से ब्लू डार्ट वाला कुरियर जो है ना वो डीटीडीसी वालों को दे दिया, लेट हो गया हमारा एक कुरियर। नोटिस कर रहा हूँ कि पहले भी ऐसा होता था कि पार्षद के चुनाव में जो है वो इतनी ज्यादा होर्डिंग्स, बोर्ड, गाड़ियाँ, कंफ्यूजन भी है, मतलब आप किसको वोट दोगे सोचो। आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। कैसे हो सनी? और युगल भाई पहली बार छुट्टी पे जाके कैसा लगा? हाँ जी, पहली बार गया मैं, बहुत अच्छा ही लगा। वोट किसको डालने वाले हो? आपके वोट पे कौन खड़ा हुआ है? मैं भाई वोट, आप बताओ वोट किसको डालने वाले हो? सनी तो कांग्रेस में डाल रहा है। क्यों सनी? क्या मामा जी खड़े हुए मेरे वार्ड में? अच्छा, मोहल्ले के रिश्ते। तुम्हारे चाचा खड़े हुए हैं, इनके मामा खड़े हुए हैं, आपके भी मामा। तो फिर वोट किसको डाल रहे हो? वोट किसको डाल रहे हो? सीक्रेट है यार वोट, और वो बताया नहीं। ये देखो कैसे दे दो, देखो यार देख रहे हैं स्पीड। अगर जैसे मेरे वार्ड से आप खड़े हो तो फिर मैं किसको वोट दूंगा? और आप ऐसी पार्टी से खड़े हो जिसको मैं पसंद नहीं करता, लेकिन आप उससे खड़े हो गए हो। पार्षद का चुनाव व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है, मुझे भी यही लगता है। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले आप आम आदमी पार्टी से खड़े हो जाओ, बीजेपी से खड़े हो जाओ, मैं वोट आप ही को दूंगा क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। और आप मुझसे कोई काम करने की कहेंगे तो आप ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अपनी व्यक्ति ऐसी होना चाहिए जो हमारी बात सुन सके, क्योंकि समस्या ऐसी ना, सीवर, पानी, छोटी छोटी समस्या, रोड वाली समस्या, बिजली की समस्या, वो पार्षद जो निजी हो या आपका संपर्क का हो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हो जाता है कई बार, अभी भी खड़े कोई निकल पार्ट 23 का चुनाव दिलचस्प हो गया है। अच्छा, पहले ये मिनी यूपी था, मतलब बसपा की एक तरफ सीट निकलती थी, लेकिन पिछले दो बार से क्या है भाजपा निकल गई, भाजपा बहुत मजबूत थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट ऐसे आए हैं कांग्रेस से, बसपा से, भाजपा से, और एक निर्दलीय आगे आ गया, वो ही मजबूत है। मतलब निर्दलीय जो उसने ही बाबा साहब की फोटो वोटो लगा तो वो मोगनी अपने आरक्षित सीट से है ना ये, तो यहाँ पर जितने भी है शेड्यूल कास्ट के लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट वाली सीट है इस बार। हाँ, इस बार नहीं, हमेशा रहती है आज़ादी के समय से, बाढ़ 23 और बाढ़ 28। कंप्यूटर में जो है ना इंटेल इनसाइड होता है, और हमारे यहाँ बाबा साहब इनसाइड है। बैकग्राउंड देख लो कितना अच्छा हो गया, इसके पीछे हम लोगों ने 2-3 दिन की मेहनत की तब जाके ये सुंदर हो पाया, वरना इतना कचड़ा लगता था देखने में। ये आपके यहाँ काम हो गया? हाँ। जब से यहाँ करवाया था तो मेरे यहाँ कंपनी आ रहा, मटेरियल पड़ा, बरसात हो रही है। क्यों? अब पीओपी आपको पता कैसी हो जाती है। क्यों क्यों अब नहीं आ रहा? अब उसको मतलब यहाँ से जो पैसे मिले ना वो मुझसे ज्यादा दे दिए आपने, जो मैं देता था उसको। ठीक है, मैं देता था उसको 400, आपने दे दिए 600। दिलवाए थे तुमने? नहीं, मैंने इसलिए दिलवाए थे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हुआ था अब, लेकिन मेरे यहाँ तो सुबह आएगा और 5 बजे अपनी घड़ी से लगा के चला जाएगा, क्योंकि अभी आजकल वो प्रचार में भी जाते हैं, झंडा वंडा। अच्छा, झंडा उठा रहा है? चल रहा है, लेकिन अब क्या, अभी तो उसकी 500 रुपये मतलब सब जगह से पक रही है, उसकी मम्मी अलग 500 रुपये में जा रही है। अच्छा, हाँ, किसी का झंडा उठा के, ये अलग झंडा उठा के जा रहे हैं, तो झंडा उठाने के भी 500 मिलते हैं। काम तो अच्छा नहीं चलेंगे अपन अरे हाँ बोलना, सुबह शाम ही होता, दिन में कोई काम ही नहीं होता बिल्कुल। तो सुबह चला करो, सुबह चला करो, शाम को 1000 रुपए बन जाया करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा कि रिश्तेदारों से फ्री में काम कराया जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको अगर वॉल्यूम्स खरीदने हैं तो हमारे पास कुछ एक बचे हैं,
देख लेना लेने हो तो। ये देखिए हमारे जो कुछ टी शर्ट्स हैं ना, वो एक सनी पहना हुआ है, वी आर इंडियन हाँ। है ना ये वाली तो है नहीं, तो ये जो हमारा जो है हाँ, ये नया डिजाइन है हमारा। अरे मेरे ही पास जो टी शर्ट थी ना वो भी पुरानी सी हो गई, मैं सोच रहा हूँ मैं ले जाता नहीं, ये तो ऑर्डर किया अभी पहले जो है ना हमने सिर्फ इतना सा झंडा लगाया था, इस बार हमने पूरे पे झंडा लगाया हुआ है, मतलब झंडे का कलर डाला हुआ है, और ये जो नया डिजाइन है मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बिल्कुल। तो देखो आप लोग जल्दी से आइए और हमारी वेबसाइट पर कुछ खरीदिए ताकि कुछ गरीबों का भला हो। पहले है ना, पहले का प्रमोशन का तरीका होता पहन के बिल्कुल चकाचक ले जाते थे, पर आज देखो प्रमोशन हो रहा है। अरे एक काम करते ना, अपन सारी टी शर्ट पहन के वी आर इंडियन पहन के है ना रैलियों में चलते हैं, प्रचार भी हो जाएगा अपना और अपना भी काम हो जाएगा, दूसरों का हो जाएगा, 500 रुपए भी मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना आईफोन को भी है ना हिला दिया, मतलब ये भी हैंग होने लग गया आजकल। मैं ये सोचता था कि आईफोन सबसे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट हर चीज़ होती है जो आप जिसका जैसा इस्तेमाल कर लो। वही जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है मेरे को, छोड़ के नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 5 बजे। अच्छा नहीं टाइम ही हो गया, 5 बजे तो मतलब। अरे झंडा उठाने जा रहा है क्या? हाँ झंडा उठाने जा रहा है। किसका किसका झंडा उठाने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी चल रही है आजकल। अरे मैं अपनी आजकल अपनी जो हमारी वाइफ है ना वो भी खड़ी हो रही है। नहीं वो खड़ी नहीं हो रही है, उनका बोझ मतलब उठाने का मैं बोझ ले गया, मैं अभी बाइक चलाना सिखा रहा हूँ। चल ठीक है, जा बाय बाय। चलो बाय बाय। ये जो है ना ये वाईफाई है, और क्या हुआ था कि अभी जब हमने पेंट कराया था ना तो जो हमारी वायरिंग गई थी ऊपर से वो सब टूट टाट गई थी, और हम सोच रहे हैं कि अब जो वायर जो वापस से वाईफाई कनेक्शन है यहाँ ना लगाएं ताकि यहाँ थोड़ा सुंदर हो जाए। तो हमारा जो डेस्कटॉप है ना उसको हम वाईफाई करने वाले हैं, तो ये वाईफाई कनेक्शन लगाएंगे डेस्कटॉप के अंदर, और अपना पूरा वाईफाई कनेक्शन उठा के जो है ना उसे अंदर रख देंगे। इतना सा बचा डबल टेप। अरे यार वो भी फट गया। ये डबल टेप जो है इसको जो है हम यहाँ चिपका देंगे। पता पूरा डबल टेप कहाँ लग गया? कहाँ? ये खिड़कियों पे देखो, देखो जरा। अच्छा ये खिड़कियों को पूरा सील प्रूफ किया था कि लीक प्रूफ किया था तो उस चक्कर से पूरा डबल टेप यहाँ लग गया हाँ। ताकि ये जो किताब है ना ये सुरक्षित बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इंटरनेट लग गया यहाँ पे। तो फाइनली हमने अपना वाईफाई जो है वो स्टॉक रूम में लगा दिया है, और है ना ये पूरा का पूरा वायर फ्री हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, नया एक वायर लटका हुआ होता था, और अभी बस इंटरनेट चेक कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जैसे इंटरनेट काम करना स्टार्ट कर देगा हम चले जाएंगे। ये इंटरनेट भी आ गया हमारा। पासवर्ड क्या बोलो अपना? पासवर्ड कोई गैस ही नहीं कर सकता हमारा, कोई भी गैस नहीं कर सकता। चालू हो गया, ये हमारा पुराना लोगो था। हमने अभी चेंज कर दिया। चलो 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 हेमल भाई, बहुत टाइम हो गया, घर चले। शाम को चलना है घूमने, भूल मत जाना। ये देख रहे हैं आप, ये भूपेंद्र हैं, और इन्हें बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी है, और कांशीराम जी की भी फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन ये बीएसपी से नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब कुछ सालों से ही ये सब हो रहा है कि बाबा साहब की जो तस्वीर जो है ना वो अब हर एक व्यक्ति लगा रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि जो ये यहाँ की जो सीट है ना वो शेड्यूल कास्ट की है, और शेड्यूल कास्ट की सीट है तो जितने भी प्रत्याशी हैं सारे शेड्यूल कास्ट वाले, और अगर सारे शेड्यूल कास्ट वाले हैं तो जो निर्दलीय खड़ा होगा उसको भी ये बताना पड़ेगा कि मैं अभी आप ही की साइड से हूँ, मतलब शेड्यूल कास्ट से हूँ और बाबा साहब की विचारधारा को जो है मानता हूँ। मुझे लगता है यही कारण है कि बाबा साहब की फ़ोटो लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है आज। जमीन पे पड़ा हुआ देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जो टी शर्ट में बाबा साहब का नाम छाप रहे हो ये कहीं गंदा होगा, ये कहीं धुलने जाएगा, जमीन पे पड़ा रहेगा। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा
बाबा साहब की फोटो और जितने हमारे बहुजन नायक हैं उनकी फोटो अगर जमीन पे गिरती है तो वो किसी ना किसी राजनीतिक पैम्पलेट पे जो फोटो और पोस्टर छपते हैं ना वो जमीन पे गिरते हैं, और उसके बावजूद भी इतने सालों से ये होता आ रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितने भी पार्टी वाले हैं वो बाबा साहेब और जितने भी बहुजन नायक हैं उनकी फोटो जब पैम्पलेट पे छाप कर किसी की दीवार पर छिपकाते होंगे तो वो कभी ना कभी तो नीचे गिरता ही होगा, कोई ना कोई उसे फाड़ता ही होगा, कहीं ना कहीं कचड़े में जाता ही होगा। हालांकि मुझे यहाँ दिखता है, मैं उठा के अपने पास रख लेता हूँ या संभाल कर कहीं रख देता हूँ, लेकिन कितने लोग ऐसा करते होंगे। मुझे लगता है टी शर्ट बेस्ट ऑप्शन है अपने बहुजन नायक, अपने बहुजन महापुरुषों को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अपने कपड़ों को संभाल के रखते हो, पोस्टर और बैनर को नहीं। आज फिर युगल भाई ने धोखा दे दिया, बोल रहे थे आ जाएंगे 8:30 बजे, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया उनको, इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे तो कंटिन्यू करना ही चाहिए, बाकी सारे तो फिट हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन जल्दी हो जाऊँगा। जैसे ही मैंने एंट्री ली ना, मुझे लगा आज तो पानी भरा हुआ, आज तो घूमने का कोई फायदा नहीं है और पाना पूरा वेस्ट हो गया, लेकिन बढ़िया था, मज़ा आया आज। आने में बिल्कुल आपको आलस लगेगा, लेकिन जब आप दौड़ लेते हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है। ट्रैक कर लिया मेरे को, आज पूरा दिन भागते हुए निकल गया। आज का दिन है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और है ना, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को पहली बार देखा है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये चैनल जो है वो शायद अपने आप में पहला बहुजन ब्लॉगर का चैनल है, और मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो और कोई नहीं दिखा सकता और दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। कल मिलते हैं, बाय।